जिस जगह से दूध लेती हूँ ये उनका बगीचा है, मैं उस जगह से गोभी, धनिया पत्ता, मूली ले रही हूँ। मुझे इस तरह खेत देख के सब्जी लेने का मन कर रहा था। मैं छत पे भी अगले बार गोभी मूली वगैरह लगाई थी, इस बार तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से नहीं लगाई। गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में 8:30। तो मैं पानी इधर गर्म क्यों है, और अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं सब्जी वगैरह बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पढ़ाई हो रही है और मुझे खाना बनाना है, तो चलती हूँ। सोचती हूँ, मुझे शाम में ना बड़ा ये लगता है क्या बनाऊँ, बस पूरा मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि क्या बनाऊँ। और ये वाला फ़ोन मुझे मिला है, कैसा है बताइएगा ज़रूर कमेंट में। अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है, इसके फीचर्स भी अच्छे हैं, मगर पता नहीं यूज करने के बाद पता चलेगा। और इसकी अनबॉक्सिंग भी थी फ्रेंड, मगर इस फ़ोन से उस फ़ोन में डेटा होने की वजह से ख़त्म मतलब ख़राब हो गया। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं रात को क्या बनाऊँ। तो ये मेरे तो फ्रेंड हमेशा का ही जो दूध बचा हुआ है वो उसे चढ़ा देती हूँ, और मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी क्योंकि आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं किचन से जल्दी से काम करके निकल जाऊँगी। तो मैं अभी आटा लगा डालूँगी, नहीं तो छींटे पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए मैं आलू डाल दी हूँ, और एक से दो बार इसे चलाऊँगी, साथ में ही मैं सोयाबीन भी डाल दूँगी। और सच बताती हूँ दोस्तों, उस दिन सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी कि मेरी आज तक की सोयाबीन की सब्ज़ी इतनी टेस्टी नहीं बनी थी। मेरे बच्चे कह रहे हैं आप तुम इसी तरह बनाना, और मैं जितने भी प्लेट बर्तन वगैरह हैं मैं धो लेती हूँ। और नैना शायद उधर खटखटा रही थी तो मुझे खोलने में लेट हो गया, तो नैना चली गई। तो फिर देखिए नैना आ गई है फ्रेंड। बच्चे आजकल, मैं सही बताऊँ तो मैं बच्चों के साथ खेल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, मैं एडिटिंग वगैरह कर। नैना को जब भी मन नहीं लगता वो तो आ जाती है, गेट को खटखटाती है तो मिलने के लिए मुझसे। फ्रेंड आ गई हैं, दांत दिखा दो तो बेटा, दांत दिखा दो, दांत देख लीजिए फ्रेंड, नैना का दांत दिखा दो, दांत देख लीजिए फ्रेंड। मैं दिखा, और दोस्तों पहले मैं इसके साथ बहुत खेलती थी, और आजकल ये नीचे उतरती नहीं है, अगर आई है तो गोद में ही रहेगी क्योंकि इसे नीचे मन नहीं लगता है, और किसी के पास भी नहीं जाने लगी। अब बड़ी हो गई है तो नीसू चाहता है उसे लेने, मगर वो देखिए जा नहीं रही है, वो अभी भी कर रही है। अब देखिए नित्य आई है। तो दोस्तों मैं इसमें अब टमाटर और हरी मिर्च काट के डाल दूंगी और साथ में ही फ्राई कर दूंगी उसे भी। नित्य ड्राइंग मुझे दिखाने आई है फ्रेंड, तो जब भी उसे मन करता है ड्राइंग दिखाने का या कुछ तो मुझे आती है दिखाने के लिए, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं सब्जी में नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार। अब देखिए रिशांत आया उसे गोद लेने के लिए, ये किसी के पास भी नहीं जाएगी। अब हल्दी पाउडर डाल दूंगी। सोचिए छोटे बच्चे की मम्मी लोग कैसे काम करती हैं। नित्या की मम्मी बहुत परेशान अभी रहती हैं काम करने में, क्योंकि बच्चों को टाइम भी देना पड़ता है और बच्चे को कैसे छोड़ भी नहीं सकते और घर का काम भी रहता है। मिडिल क्लास फैमिली की यही लाइफ है फ्रेंड, इसी तरह मैनेज करके चलना पड़ता है। और इधर देखिए नैना, नैना नित्या खेल रही है। उठ जा बेटा, उठ जा, प्रैक्टिस कर रही है। मेरा बन ही गया है, आज की सब्जी शॉर्टकट में बनाई हूँ, कुछ वैसा नहीं है।